तो एक बार मैं पहले बता दूं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है मेरे नॉर्मल वीडियोस से, तो स्टे ट्यून्ड, आखिर तक रहना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा क्रेजी वीडियो होने वाला है ये। सो आज से 6 महीने पहले मार्च में मैं 15 दिनों के लिए इंदौर से रीवा अपने होम टाउन आया था, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला था। तो मैंने सोचा था 15 दिनों बाद सब कुछ सही हो जाएगा, फिर मैं वापस इंदौर चले जाऊँगा और वापस वही चीज़ें कंटिन्यू करूँगा। बट उसके बाद क्या हुआ तुम सबको पता है, लॉकडाउन बढ़ता ही चला गया। और राइट नाउ अभी लॉकडाउन तो ओपन हो गया है, बट मेरे को 6 महीने हो चुका है इंदौर से रीवा है, एंड अब मैं तभी इंदौर जाऊंगा जब कॉलेज वापस से रीओपन होगा। और अभी फ़िलहाल 2 से 3 महीने कोई चांसेस नहीं है कॉलेज खुलने के। राइट नाउ अक्टूबर इज़ गोइंग ऑन, जहाँ तक मेरे को लग रहा है जनवरी या फिर दिसंबर एंड तक ही कॉलेज खुलेगा, और तब तक मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। नाउ वॉट आई एम थिंकिंग कि मेरे को दिसंबर एंड तक यहाँ पे रहना ही है, या फिर जनवरी भी रहना पड़ सकता है, यानी कि 2 से 3 महीने, और यहीं रहना है और वीडियोस भी बनाना है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना रूम को थोड़ा रिनोवेट किया जाए, क्योंकि मेरा घर का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ओल्ड है और मेरे रूम की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, क्योंकि शुरू में तो सही था, फिर धीरे धीरे ये रूम में मेरा हॉस्टल रूम जैसा ही हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि रूम को रिनोवेट कर देते हैं, मेरे को वीडियोस बनाने में मज़े आएंगे और जो देखेंगे, जो व्यूअर्स होंगे, उनको भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये है मेरी रूम की कंडीशन, ये मेरा सेटअप है, मेरी बुक्स यहाँ पे पड़ी रहती हैं, शूज़, ये मेरा बेड है। पहले बेड बहुत अच्छा हुआ करता था शुरू में, अब आधे में मैं सोता हूँ, आधे में मेरे कपड़े और मेरे सामान रहते हैं। यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है मेरा जो मैंने अभी मंगाया है, मेरा गिटार है, कुछ बुक्स मेरी यहाँ पे पड़ी हैं। एज यू नो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट, तो पढ़ना भी पड़ता है। एंड वन मोर थिंग इज माई न्यू शू, आई हैव जस्ट बॉट इट फ्रॉम मिंत्रा, एंड एक्चुअली ये कलर मेरे को बहुत पहले से चाहिए था, फ्लोरोसेंट ग्रीन, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हुआ मेरे को, सही लगा तो मैंने ले लिया, क्योंकि एक्चुअली ये कलर मेरे को बहुत ज़्यादा पहले से चाहिए था और मिल नहीं पा रहा था, तो अभी स्टॉक में आया तो मैंने सोचा उठा लेता है। सो इट्स गुड। सो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को इस रूम को अच्छा बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी अच्छा हो पाए, बट इनिशियली मेरे को इस रूम को साफ़ करना पड़ेगा। मैंने लिटरली हॉस्टल रूम बना के रखा है इसे, तो इस रूम को पहले एक लेवल पे लाना पड़ेगा, उसके बाद अपग्रेड होएगा, तो पहले ये काम निपटाते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर दैट मेस एंड दिस वन ऑल्सो, बहुत सारा काम। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो अभी मैं ये लेके आया हूँ, एक्चुअली कल मैं इसे लेके आया था, ये चार्ट शीट है ऑलिव ग्रीन। एक्चुअली मेरे को इस कर्टन की जगह पे लगाना, ये कर्टन हटा दूंगा मैं, और ये पीछे जो विंडो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। एक्चुअली मेरे को एक लाइटनिंग सेटअप लगाना है इस जगह पे, ये कर्टन मेरे को जम नहीं रहे तो इन्हें हटा दूंगा, और वो जो ब्राउन कलर है ना वो मेरे को उसका अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। पहले एक्चुअली मैं ग्रे करने वाला था इसे, बट ग्रे कलर का चार्ट पेपर मिला ही नहीं, मैंने 5-6 जगह चेक किया, नहीं मिला। मेरे को लगा चलो कोई नहीं, पहले मैं ब्लैक ले रहा था, बट मेरे को एक और ऑप्शन मिला ऑलिव ग्रीन, एंड ये बेहतर है ब्लैक से, क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा ही ऑड लगता है, बिल्कुल अलग से ही दिखता है। तो मैंने सोचा ब्लैक हटाओ, ऑलिव ग्रीन करते हैं, तो इसे मैं इस पर पेस्ट करता हूँ एंड लेट्स सी कैसा लुक आता है। ओके, सो नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं इससे फेविकोल से लिखाऊँ या तो ग्लू गन से। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किससे बनेगा, बट आई थिंक फेविकोल विल डू द जॉब, क्योंकि वो वुडन सरफेस है तो फेविकोल शायद अच्छे से स्टिक हो जाएगा। लेट्स सी। ऑल राइट, सो ये कंप्लीट हो चुका है, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है यार, पहले वो ब्राउन से तो अच्छा लग रहा है ऑलिव ग्रीन, और एक दो जगह मैं फंस भी गया था, लाइक उधर पे वो हैंडल था विंडो खोलने वाला, तो उस पर थोड़ा दिक्कत आ रहा था, तो उस पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और नीचे इसकी हाइट कम पड़ रही थी, तो नीचे मेरे को अलग से स्ट्रिप डालनी पड़ी, तो अच्छा हुआ मैंने 3 लेके आए थे, बस इतना ही बचा है एक का। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जो लाइट लगने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी,
ये काम हुआ है। अब मेरे को जाना है मार्केट, मेरे को कुछ आज ही भी स्ट्रिप्स लगानी है क्योंकि पूरे पैसे आज ही स्ट्रिप्स के हैं, तो चलते हैं देखते हैं। ऑल राइट, सो राइट नाउ आई एम गोइंग आउट बिकॉज फर्स्ट थिंग फर्स्ट कुछ सामान है वो मेरे को लेना है। एक LED स्ट्रिप लेनी है क्योंकि एक स्ट्रिप कम पड़ रही है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मैं लाइटिंग वाला काम पूरा खुद से नहीं कर सकता, मेरे को किसी एक बंदे की हेल्प चाहिए होगी। सो मैंने अपने एक दोस्त को बुला लिया है मेरी हेल्प के लिए, वो आता ही होगा, तब तक जाके मेरे को जो चीज़ें खरीदनी है वो खरीद लेता हूँ। ऑल राइट, सो बेसिकली दिस इज़ day 3 सिंस आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई रूम, और ऑलमोस्ट काम हो चुका है, सफाई भी हो गई ऑलमोस्ट। और कल मैं मार्केट गया था तो वहाँ से मैं LED स्ट्रिप्स भी लेके आऊँ, एक ये और एक ही LED लाइट है, दोनों RGB हैं, और 3 LED स्ट्रिप्स मेरे पास पहले से पड़ी थी, एक इसमें पड़ी हुई है और एक यूज़ हो चुकी है, और एक और स्ट्रिप मेरे को लेना है क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है। एक स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी, हालांकि मेरे को 2 से 3 मीटर की ही जरूरत है, पर वो रोल ही पूरा 5 मीटर का आता है तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मुझे कम चाहिए तो मुझे वो भी मिल जाएगी, बट वो RGB नहीं रहेगी, वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल कलर पे भी लगी, जो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को RGB ही चाहिए क्योंकि पूरे पैसे ही RGB के हैं यार। सो नाउ इट विल टेक 1 more day टू कम्प्लीट द रूम आई थिंक, क्योंकि लाइटनिंग का काम अभी पूरा पहुँचा है, क्योंकि अभी तक मैं केवल साफ सफाई कर रहा था और मैं ये डिसाइड कर रहा था कि चीज़ें करनी कैसे हैं, ये काम किया मैंने, बेड का काम भी बचा हुआ है। आज मैं इसे PC साफ करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं लाइटनिंग का सेटअप आज कंप्लीट कर दूं। और मैंने कुछ चीज़ें भी ऑनलाइन ऑर्डर की थी वो भी आ चुकी हैं, लाइक एक ये अमेजोन से पार्सल आया है, एक ये फ्लिपकार्ट से पार्सल आया है, और एक और पार्सल जो सबसे बड़ा वाला है वो ये है, अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो ये भी अमेजोन से ही है। सो अब इसमें क्या है, सो अब इन पार्सल्स में क्या है वो सब बताऊंगा, बट थोड़ा समय दें आप हमें। एक्चुअली एक और पार्सल है वो इधर पे ऊपर रखा हुआ है, ये इसे मैंने खोल लिया पहले। सो इन सब में क्या है बताऊंगा, आप थोड़ा समय दें, क्योंकि अभी से बता दूंगा फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। तो पहले आप काम करते हैं, रूम में जो काम है वो जो पेंडिंग वर्क है उसको निपटाते हैं, फिर समझते हैं। ऑल लाइट, सो एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, नाउ बस लाइट्स लगाने का काम बचा है, मीनवाइल डेकोरेट करने का। और भाई साहब, जितना इजी लग रहा था उतना इजी बिल्कुल नहीं था, सबसे हेक्टिक पार्ट था ये डिसाइड करना कि लाइट्स लगानी कहाँ पे है, कहाँ से रूम और ज़रा अच्छा लगेगा। पर अब वो सारा सीन सही हो चुका है, अब बस मेरे को लाइट्स लगानी है, उसके बाद क्रेजी सीन्स होने वाले हैं। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी लाइट्स लगाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ऑल राइट, सो एवरी थिंग इज डन, बट मैं तुम्हें अभी नहीं दिखाने वाला हूँ, थोड़ा और वेट कर लो, बिकॉज द थिंग इज सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग, उन्हें पता है कि मैं अपना रूम अपग्रेड कर रहा हूँ, पर मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसके बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है। सो पहले उन्हें आना दो, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेट्स सी कि उन्हें क्या लगता है रूम के बारे में। और अगर मैं थोड़ा स्नीक पीक, रुको जरा, सबर करो। ऑल राइट, सो देयर कम, अरे फाइनली हो गया भाई, कितना क्रेजी लग रहा है भाई। Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children. ऑल राइट, सो दिस विल बी माई सेटअप फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं है, बट आई थिंक डिसेंट सेटअप है, सो लेट मी नो। ओके, सो रेट माई सेटअप ऑन स्केल 1 to 10, सारे करना अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, लेट मी नो कि 1 to 10 के स्केल में तुम्हें क्या लगता है किस लेवल पे है ये सेटअप। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपग्रेड की हैं, लाइक अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूँ तो पहले तो यहाँ पे मैंने लाइटनिंग का काम किया है, मैंने ये कीबोर्ड नया लिया, नया नहीं, ये मेरे पास पहले था, अभी जब मैं इंदौर गया तो इसे लेके आया हूँ। ये माउस पैड मैंने लिया, ये बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहा है मेरे को। हाँ, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है माउस पैड, बट ये RGB स्ट्रिप है, ये बहुत ज़्यादा क्रेजी है,
फिर एक रिंग लाइट ली मैंने, ये तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अभी तक का मेरा। और एंड नेक्स्ट वन इज़ ये DIY सेटअप, ये मैंने अब खुद से बनाया है, ज़्यादा क्लीन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, बट डिसेंट है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड पूरा यहाँ पे लाइटनिंग का काम किया है मैंने, एंड PC के पीछे मैंने लाइटनिंग का काम किया है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहा है। और एक लाइट यहाँ पे मिलेगी जो रिफ्लेक्ट करती है, वो भी डिसेंट सा इफेक्ट देता है। सो यही सारी चीज़ें, मेरे को ये पूरा सेटअप कंप्लीट करने में अराउंड 4 डेज लगे, क्योंकि हो जाता पहले, बट मैंने जो सामान कुछ ऑर्डर किया था लाइक रिंग लाइट और मेरा RGB माउस पैड, वो आने में अमेज़ॉन से थोड़ा लेट हो गया, तो उसके वजह से थोड़ा डिले हो गया सेटअप, नहीं तो 1-2 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाता। सो यप, दिस इज़ माय सेटअप फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। एक कमी है सेटअप में जो मेरे को पर्सनली लग रही है, वो है चेयर की। मेरे पास गेमिंग चेयर नहीं है, कोई भी एर्गोनॉमिकल चेयर नहीं है, मैं एक नॉर्मल चेयर यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, उसकी कमी है, मैं चाहूँ तो अभी अभी उसे मंगा सकता हूँ, बट द थिंग इज़ मेरे को 1 से 1.5 महीने बाद वापस इंदौर जाना है, फिर मेरे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा लगेज है, मैंने PC भी अपना मंगा लिया था, तो अगर मैं अब चेयर भी मंगा लेता हूँ तो जब मैं वापस जाऊँगा तो फिर बहुत ज़्यादा सामान पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं अभी मंगाने नहीं जा रहा हूँ। अब से आने वाले वीडियोज़ बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाले हैं, क्योंकि सेटअप थोड़ा अपग्रेड कर लिया है मैंने, तो मेरे को भी अब वीडियोज़ बनाने में मज़ा आएंगे, एंड आई विश कि आप लोग को वीडियोज़ देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, पहले से भी ज़्यादा। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, अगर तुम नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई डार्क वेब का वीडियो कब आ रहा है, भाई इसके बाद वाला वीडियो डेफिनेटली डार्क वेब का आने वाला है, बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू टर्न ऑन द बेल आइकन, जिसे अगर मेरा वीडियो आए तो तुम मुझे मिस ना करो। सो दिस इज इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे होम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओवर एंड आउट। जाके पूछ अपने बारे में, पूछ अपने बारे में, पूछ अपने बारे में, पूछ अपने, पूछ।